योग 9 का फर्स्ट क्या कर रहा है, जांचे कि x प्लस 2 बहुपद इसका एवं इसका एक गुणनखंड है या नहीं, दोनों बहुपद का। एक को हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं पी एक्स, दिया है एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6, और दूसरा हम लोग यहाँ क्यू एक्स ले लेते हैं जो कि है 2x प्लस 4। क्या कह रहा है कि x प्लस 2 इसका गुणनखंड है कि नहीं, यानी कि x की जगह माइनस 2 रखने पे हमें पता चल जाएगा। तो p माइनस 2 देखिए क्या हो जा रहा है, माइनस 2 का क्यूब प्लस में 3 गुना माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना माइनस 2 और प्लस का 6। देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका देखिए माइनस का 8 प्लस का 12 माइनस का 10 और प्लस का 6, 12 6 18 18 0 आ जा रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि x प्लस 2 जो है बहुपद 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 एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 का गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है। अच्छा इसको भी देख लेते हैं, माइनस 2 पर 2 गुना में माइनस 2, 2 गुना में माइनस का 2 और प्लस का 4, माइनस 4 प्लस का 4 0 आ जा रहा है। इसलिए कह सकते हैं, इसलिए यहाँ भी कह सकते हैं कि x प्लस 2 बहुपद बहुपद क्या है जी 2x प्लस 4 का गुणनखंड है, हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं, चलिए अब इसके सेकेंड